Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag Vinay's version and I am your personal auxiliary Vinay Panekar. मैं वीडियो चालू करने के पहले आपको ये बता दूं कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. आप लोग इतने सारे जन वीडियोस देखते हो पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. टेंथ के बहुत सारी ऐसी चीज है, एक खजाना भरा हुआ है मेरे चैनल के अंदर. आप प्लीज मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब करो तो आपको थ्रू आउट द टाइम नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे मेरे चैनल की. समझ में आ गया? आने से के साथ में इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए. पहले मुझे आपको ये बात बताना है कि ये पेपर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम के अंदर, जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं. ऑलराइट, आपको पता हो गया रहेगा अब तक दो पेपर देने के बाद में कि फर्स्ट पेज में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है. मूव ऑन करता हूं जब मैं वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर. आपको सीन पैसेज में से क्वेश्चन आने वाला है. सीन पैसेज में आपको याद रखना है कि इस पेपर के अंदर जितना मराठी और इंग्लिश में नहीं होती है उससे ज्यादा आकृतियां हिंदी पेपर के अंदर होती है और यूनिक आकृति रहती है. इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आप आकृति बनाओ तो आकृति को बराबर से बनाओ जिस तरीके से एग्जाम के पेपर में दिया हुआ है. मेक अप्रोप्रिएट बॉक्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इन द एक्टिविटी. जैसे कि यहाँ पर देखो एक शब्द दिया है जवाब, जवाब का लिंक पहचानना है तो उनका जवाब पुलिंग, जवाब का अपोजिट क्या होगा तो आपको पता रहना चाहिए कि जवाब का विलोम शब्द है सवाल, जवाब का समानार्थी क्या है उत्तर, और जवाब का वचन बदल या परिवर्तन क्या है जवाब. एक जवाब, अनेक जवाब. समझ में आ गया? इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से बनाना है ये. मेक श्योर करना स्टेंसिल लेके जाते हो जिसकी वजह से आपका काम आसान हो जाएगा. ऑलराइट, यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि पर्सनल रिस्पांस के बारे में बोला गया है, पर्सनल रिस्पांस शुड नॉट एक्सटेंड फ्रॉम मोर देन 40 लाइंस. पर्सनल रिस्पांस जो हिंदी के रहते हैं काफी ज्यादा हद तक इंग्लिश के जैसे ही रहते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रस्तावना लिखने की जरूरत नहीं जैसे हम लोग मराठी में लिखते थे. ऑलराइट, तो यहाँ पर जब आप पर्सनल रिस्पांस लिखेंगे आपको ये बात ध्यान रखना है कि उनके वेटेज से 2 मार्क के हैं, तो इसके लिए आपको एक पैसेज, एक पैराग्राफ भर के ही आपको लिखना है, ना कि पूरा आप एक पेज भर के लिखो. समझ में आया? जब मैं आगे मूव ऑन करूंगा हमारे पास इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं सीन पैसेजेस में से, और अनसीन पैसेजेस में से हमको आने वाला है एक ही क्वेश्चन. ऑलराइट, आपको ये बात ध्यान रखना है अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो. अब हर पैसेजेस को थ्रू आउट सॉल्व करने वाले हो एंड मुझे आपको ये बताना है जब अनसीन पैसेज में से ग्रामर क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व करना, क्योंकि उसके अंदर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो डायरेक्टली जैसे इंग्लिश और मराठी में रहते हैं उसी के तरह इसमें भी उसी पैसेज के अंदर ही आपको आंसर मिलेंगे. ओके, और आपको पर्सनल रिस्पॉन्स में याद रखना है कि आप ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखो, जितना जरूरत है जितना पूछा गया है, वर्ड टू वर्ड, कट टू कट, स्पेड इज कॉल्ड स्पेड इज स्पेड, एंड दिस इज हाउ यू आर गोना बी राइटिंग आउट योर एंटायर पर्सनल रिस्पांस. मेक श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग इट मोर देन 14 लाइंस ऑफ एक्सटेंशन. इफ यू गिव इट यू आर गोइंग टू वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स इट. यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि एक पद्य विभाग में से क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको याद रखना कि इन पोयम ब्रीफ इंक्लूड प्रस्तावना. पोयम के अंदर आपको प्रस्तावना लिखना है कि कौन से पोयम से क्वेश्चन लिया गया है. सरल अर्थ जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके अंदर क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है. और प्रस्तावना की वीडियो सर कहाँ है, मुझे तो नहीं पता प्रस्तावना क्या होता है सर. तो आप एक बात ध्यान रखो कि पहले इस वीडियो को लाइक करो, अगर ये वीडियो में ज्यादा लाइक रहेगी ना तो ही मैं प्रस्तावना का वीडियो बना के डालूंगा. सब्सक्राइब करो चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए अब तक का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बहुत जरूरी है. ऑलराइट, बिकॉज आई एम योर चैंपियन टीचर, राइट? तो यू आर माय चैंपियंस, राइट? तो मेक श्योर करना कि वी चैंपियन कम्युनिटी शुड बिकम डे बाय डे मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ऑलराइट, तो हम लोग को याद रखना है कि सरल अर्थ लिखने के टाइम पे आपको प्रस्तावना लिखना है जिससे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा. 1 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है जो आपको ब्रीफ में पोएम के पूछा जाएगा. ओके, चलिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपको ये आकृतियां ऐसे ही बनाना है जिस तरीके से पूछी गई है. ओके, अभिव्यक्ति क्वेश्चन आएगा या कोई और भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो, पेपर को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और उसके बाद में उसको आंसर कर रहे हो. ऑलराइट, पूरक पैटर्न में से भी आपको क्वेश्चन एकदम इजी फॉर्मेट इजी वे में ही आने वाला है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है पूरक पठन को आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन जब पेज से पूछा ही जाएगा, देखो अपठित गद्यांश में से आएगा आपको क्वेश्चंस अंक ये, और यहाँ पर देखो पद्यांश के अनुसार कृतियां कीजिए, 2 पोएम में से क्वेश्चंस आएंगे आपको,
और पूरा पैटर्न में से 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको, मतलब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 मार्क के लिए और 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पूरक पठन को भी आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, आपको डायरेक्टली आंसर पैसेज में मिलने के चांसेस कम है पूरक पठन के अंदर। ओके, मेरी बात तो सुने आपने ध्यान से, पूरक पठन के आंसर आपको पैसेज में कम तरीके से मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टोरी का आउटलाइन मालूम रहना चाहिए कि स्टोरी में क्या हो रहा है। ऑलराइट, चाहे वो कोई भी स्टोरी हो, बूढ़ी काकी हो या कोई दूसरी हो, आपको पता रहना चाहिए। जब मैं आगे मूव ऑन करूंगा, क्या है, ग्रामर विभाग है। देखो, ग्रामर विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है इतने ही इजी आने वाले हैं जिसकी कोई हद ही नहीं, मतलब यहाँ पर आपको ये फ्री में 14-15 मार्क्स मिलने वाले हैं। जब आपको ये मार्क्स फ्री में ही मिल रहे हैं तो क्यों ना आप 14 मार्क्स के लिए एकदम अच्छी से बेहतरीन तैयारी करो। तो मेरे चैनल पर जितने भी ग्रामर के वीडियोस अपलोड होने वाले हैं वो आपको तभी देखने मिलेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा। मैंने कल देखा है कि यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने जो डाला हुआ था इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो सारे आज पेपर में रिफ्लेक्ट करे गए हैं। चैंपियन बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, एंड विच इज द रीजन I am also telling you to buy a champion book. If you have not bought it, it includes all the subjects. आगे जाके और tough paper आने वाला है आपको, algebra, geometry, science 1, science 2. तो उसके लिए भी आपको चैंपियन बुक के अंदर ही सारी नोट्स मिल जाएगी, जो कि सिर्फ 59 rupees में आपको मिलेगी। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज एक हाय भेजिए, मैं आपको डेफिनेटली तुरंत एक चैंपियन बुक की कॉपी आपके व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ई बुक बनाकर भेज दूंगा। ऑलराइट, आप जब आगे देखते हो यहाँ पर किस तरीके से मैंने देखो यहाँ पर मुहावरे को लिखा है, मुहावरा जब मैं लिखता हूं तो यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, अर्थ आपने देखा, अर्थ लिखोगे आप, वाक्य लिखोगे आप उसके साथ में, और इस तरीके से आप क्या करोगे, पूरे आंसर को सॉल्व करोगे, डब्बा बनाओगे, चाहे डब्बे की जरूरत है आपको बॉक्स बनाना ही है। ओके, जब आप ग्रामर का क्वेश्चन लिख रहे हो, एक अच्छा प्रेजेंटेशन करके दिखाना ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कला होनी चाहिए, जो अगर आपने करके दिखा दिया तो सही बात है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी के जो एग्जामिनर्स रहते हैं नॉर्दर्न साइड के रहते हैं, नॉर्दर्न साइड के नॉर्थ इंडियन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, समझ में आ गया। अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रेजेंटेशन दिखाया ना, दिखावा कर दिया ना पेपर के अंदर, मतलब आप बहुत महान हो, महंगे इंसान हो। ऑलराइट, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है पर आपके पास दिखावा है करने के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड डू इट इन द पेपर। बाबा मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोग दिल खोल के मार्क्स देते हैं। हमारे पास एक मिश्रा सर थे जो हम लोग के स्कूल में ही थे, एंड फिर एक और एक अलग से श्रीवास्तव सर भी थे। यस, इन लोग को तो मतलब मेरी राइटिंग से ऐसा प्यार हो गया था ना, मैं क्या बोलूँ चैंपियंस आप लोग को, अंधाधुनी पेपर चेक करते थे, और जब पेपर चेक करके मेरे पास आता था ना तो मैं देखता था यार ये तो मैंने रॉन्ग लिखा है, फिर भी मेरे को 16 मार्क्स मिले 20 में से। आई यूज टू रियली डाउट माई सेल्फ कि एम आई द पर्सन हु इज फूलिंग देम और आर दे fooling me by giving the extra marks, but anyways I have believed in my own self that my writing is something which is really outstanding, so this is the reason why I'm asking you guys to make sure that your writing is superb, on point, and yeah, blah. All right, then when we move on to further question, here's a green tip box given to you in grammar question. It is better to write questions for teacher's convenience. Yes, grammar mein aapko question likhna bahut zaruri hai. Jab aap grammar ka question likhoge तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आप लिख रहे हो उसका क्वेश्चन आपको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, जब मैं आगे मूव ऑन करूंगा, यहाँ पर आप ग्रामर के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, मैंने हर जगह हर क्वेश्चंस को लिखा है, ऑप्शन तक का अटेम्प्ट किया है, अगर टाइम मिलेगा आपको तो ऑप्शन अटेम्प्ट करें। दो आने वाले हैं या 200 आने वाले हैं, आपको यह बात याद रखने का कि आपको इसमें इनफॉर्मल लेटर नहीं आने वाला है। फॉर्मल लेटर जब आपको आएगा, फॉर्मल लेटर आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करने का, इसको अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसे दो दो क्वेश्चन आएंगे आपको, तो मेक श्योर करना दोनों क्वेश्चन को पढ़ो, दोनों में से कौन सा इजी लगता है आपको उसको आपको वो लिखना है। अंडर पत्र लेखन टॉपिक, इट्स बेटर टू मेंशन प्रॉपर एड्रेस, डिवाइड द लेटर इनटू 3, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ऐसे 3 में अगर आपने लेटर को बांट दिया आपको डेफिनेटली वही मार्क्स मिलेंगे जिस मार्क्स के लिए आप
बेइंतहा मेहनत कर रहे हो. ऑलराइट, आई होप दैट वाज वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जब मैं आपको बताऊं कि आपको पत्र लेखन के बाद में इतनी आसान चीज आने वाली है जो है गद्य आकलन. आसान तो है सर, बट हम लोग को लगती नहीं है. एंड आई नो दैट आपको ये चीज लगेगी भी नहीं आसान. क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना गद्य आकलन. आपको लगता था कि मैं चार क्वेश्चन तो बना देने का, चार क्वेश्चन बनाना कौन सा भारी काम है, मेरे बात का खेल है. बट आपको पता है चार क्वेश्चन बनाने में ना लोगों को अपनी नानी माँ याद आ जाती है, क्योंकि चार क्वेश्चन हम लोग बनाते कुछ बलता सलता ही चाहे और वो क्वेश्चन के फिर मार्क्स मिलते नहीं है. ओके, तो आपको बात ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ये गद्य आकलन को प्रैक्टिस करो. जो मेरा वीडियो है वो आने वाला है शायद से, क्योंकि अब तक चैनल पर डाला नहीं गया है, एडिट नहीं हुआ है, तो उसको भी एक बार प्रैक्टिस करना, जिससे आपको क्या हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, देन विल बी मूव ऑन फॉर द वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन में से आपको कोई एक चीज आने वाली है. मैं तो बोलता हूं मेरे पास वृत्तांत लेखन का खजाना है. क्या है? खजाना. कहानी लेखन का भी है बट वृत्तांत लेखन का ज्यादा है. ऑलराइट, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप वृत्तांत लेखन के ऊपर ज्यादा ध्यान दो. कहानी लेखन के ऊपर आप कम भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वृत्तांत लेखन तो भाई मेरे पास वर्ड टू वर्ड डायलॉग डिलीवरी के साथ है. ओके, तो यहां पर जब मैं आगे आता हूं तो हमारे पास एक और एक चीज आने वाली है जो है मेरा फेवरेट. बाय ये चीज को तो नजर नहीं लगना चाहिए, कभी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम में से. विज्ञापन लेखन. विनय सर मतलब है ना एक ऐसा सर है कि अगर उसके हाथ से सर का पद अगर छीन लिया ना किसी ने तो विनय इज गोइंग टू गो फॉर मार्केटिंग. आई लव मार्केटिंग. यू नो मार्केटिंग इज समथिंग लाइक इफ यू हैव अ बिजनेस यू नीड टू मेक श्योर दैट 80% ऑफ योर बिजनेस इज मार्केटिंग एंड 20% इज जस्ट योर प्रॉफिट. इफ यू आर नॉट मार्केटिंग योरसेल्फ प्रॉपर्ली दैट मींस यू आर लूजिंग अ मेजर चंक of income that you could have got, but if you have not marketed, you have just missed it out. Alright, that was a piece of advice which is a real truthful fact. If you have not known to it, make sure that you know that if you are willing to become a businessman in the near future, you should definitely opt marketing as your main chaddi baddi. Alright. विज्ञापन लेखन अगर आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, आप विज्ञापन लेखन को क्या कर दोगे, अच्छे तरीके से बनाओगे. और अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा भाई, इसका कोई ऑप्शन नहीं है. समझ में आया आपको? यस. देन मेन वी हैव निबंध लेखन. यहाँ पे निबंध लेखन जब आपको लिखने के लिए आएगा, तीन टॉपिक रहेगी, तीनों में से कोई ऐसा टॉपिक आपको ढूंढेगा जिसके अंदर आपको सिर्फ निबंध लिखने में मजा नहीं आना चाहिए, बट निबंध के साथ साथ में आप क्या लिख सकते हो. आपको उसके अंदर पोएम की लाइंस लिखने आएगी क्या? आपको उसके अंदर कोई ऐसी कहानी लिखने आएगी क्या जो आपने ऑलरेडी आपको टॉपिक के रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि मुझे पता हो? और क्या आपको कोई गाना याद आ रहा है क्या उस टॉपिक को लेकर? क्या आपको कोई ऐसी बात याद आ रही है जो मैंने सुनी थी और मुझे एकदम अचानक से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे सुन के इंस्पायरेशन आ गया था और मोटिवेशन आ गया था? तो मेक श्योर करना वही निबंध को चूज कर दो. जैसे कि अगर मेरे को ये तीन निबंध में से कोई निबंध को चूज करना है तो भाई मैं तो लिखूंगा मेरा भारत देश. मेरे पास गाना है, मेरे पास तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे करके भरे भरे डायलॉग्स एकदम. एंड और बहुत कुछ है मेरे पास छुपा हुआ खजाना है भाई, मेरे पास बहुत कुछ है. और जो मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे पास नहीं रहे, मेरे चैंपियंस के पास भी जाए. तो चैंपियंस ये बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास भी कुछ बेटर हो ना तो डेफिनेटली उससे आप किसी की हेल्प जरूर करना, क्योंकि क्या पता आपको क्या पता कहीं ना कहीं से किसी की दुआ अच्छी वाली लग जाए और आप आगे बढ़ जाओ. एंड इस दुनिया के अंदर है ना अच्छे लोग बहुत कम है, तो मेक श्योर करना कि आप अच्छाई के रास्ते पे चलो. बुरे चांसेस, बुरे क्या बोल सकते हैं हम लोग, बुरे मौके आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आएंगे. पर आपको ये बात ध्यान रखना कि बुरा बुरा ही होता है, चाहे वो कितना ही अच्छाई क्यों नहीं लेके आए, वो बुरा ही होगा. ऑलराइट, इसके साथ में मैं यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो को ख़त्म करता हूँ. एंड यस, ये वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में. आई एम लिटिल बिट नॉट मेंटली वेल, आई हैव टोल्ड यू दैट सिंस लास्ट वन वीक आई एम नॉट कीपिंग गुड. तो प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड व्हेनेवर दैट थिंग अफेक्ट माई माइंड, आई डोंट नो व्हाट डू आई हैव टू डू, बट यस, thank you so much for giving me so much of love on comments. And yeah, that's it. Until we meet for the very next time, champions, all the best, keep loving. This is how we have really worked out a bit harder. Champions ko kab tak milne to lo na, aur usi ke through aapke sare doubts ko solve kar lo na. All right, with that also make sure that you're just giving a big fat thumbs up to this video, share with your best friend, and also with that make sure that you subscribe my channel if you're not done yet. Also with that, comment down and tell me how was this video. Thank you so much.